हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टमाटो प्यूरी लेके आई हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये टमाटर मैंने बहुत अच्छे लिए हैं, रेड कलर के और गुदेदार हैं। तो आप भी 1-1.5 केजी ले लीजिएगा ये वाले टमाटर, सैलेड वाले, और 1 केजी देसी टमाटर, टोटल हैं 2.5 केजी। इस तरीके से कट कर लें, इनका हार्ड पोर्शन निकाल दें ताकि कलर हमारा अच्छा आए, और ख़राब हो तो उनको भी अलग कर दें। अच्छे टमाटर सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिए, इनको पहले से ही धो के सुखा के रख दिया था। ये कुकर में कर रही हूँ ताकि जल्दी पक जाएं, और मैंने 3 सीटी दी थी। तो आप भी इस तरीके, पानी नहीं डालना है इसमें पकाते वक्त, ये अपने ही मॉइस्चर से पकेंगे। अभी ये बहुत जल्दी पकने वाले हैं। इससे क्या, सब्ज़ी बनाने में हमें आसानी होती है, कभी लाइट नहीं होती है, गेस्ट आ जाते हैं तो अचानक हमें जब सब्ज़ी बनानी होती है तो बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। ये देखिए बॉयल हो गए हैं, अभी ये मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसको मैं मिक्सर में पीसूँगी। इस प्यूरी से सब्ज़ी स्वादिष्ट कलरफुल बनेगी और बहुत ही जल्दी बनेगी, फटाफट बना लेंगे आप। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ठंडा होने के बाद, तो और सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। इस प्यूरी से आप जब सब्जी बनाएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट की सब्जी लाना भूल जाएंगे, बहुत अच्छी सब्जी बनने वाली है, स्वाद भी बहुत अच्छा आने वाला है। और देखिए ये प्यूरी कितनी गाढ़ी बनी हुई है, तो कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तो अपनी घर की बनी हुई है तो सस्ती भी, मार्केट की प्यूरी तो आपको पता है कितनी महंगी आती है। अभी टमाटर बहुत महंगे थे तो बहुत दिक्कत आई थी हम सबको, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि टमाटर अभी मुझे बहुत सस्ते पड़ गए थे। और ये काफ़ी लंबे समय तक, 5-6 महीने चल जाएगी अगर आप फ्रीजर में रखेंगे। और जब भी आप सब्ज़ी बनाने जाएं तो उसको अलग निकाल लें एक कटोरी में, बाउल में, और उसको आप यूज करें। और जब भी बनानी हो तो ऊपर आप फ्रीजर से निकाल लें, स्टोर करके कांच के बर्तन में रखें ताकि अच्छे लंबे समय तक चले। ये देखिए मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी डाली हुई है, नमक मैंने काला पहले ही डाल दिया था, और ये डाल रही हूँ बड़े स्पून, जिस सब्जी कुकर में जिससे हम चलाते हैं, तो बड़ी स्पून को मैंने विनेगर, जिसको सिरका भी बोलते हैं, वाइट विनेगर लिया है, और साइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं आप इसमें, तो करीब 200 ml हमने डाला है। ये कलर और स्वाद के लिए, और प्रिजर्व रहे हमारे, लंबे समय तक हमारी ये प्यूरी ख़राब ना हो, इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ें डाली हैं। तो अब देखिए कितनी अच्छी प्यूरी बनी है, ठंडा करके ही जार में भरें और कांच का ही बर्तन लें ताकि लंबे समय तक, और बर्तन को सुखा लें, मॉइस्चर ना रहे। तो आप बताइए कैसी लगी आपको प्यूरी कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। इसको आप डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। बनाएं तो थोड़ी सी अलग कटोरी में, देखो मैंने निकाल ली है, इसको मैं 1-2 दिन यूज करूँगी इस कटोरी वाले को, और इसको मैं अंदर डीप फ्रीजर में डाल दूँगी ताकि लंबे समय तक चल जाएगी वो। अभी ये मेरी करीब 2.25 केजी बनी हुई है प्यूरी, तो कम से कम 3 महीने चलेगी। देखने के लिए थैंक यू।